हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के घड़ी वाले प्रश्न, और आज भाग एक है और तरीका बड़ा ही दमदार रहने वाला है, यानी बहुत ही मज़ा आएगा। एक ही तरीके से हम लोग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैथ्स मैथ्स बोले या रीजनिंग बोले जो भी है कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किन किन तरह के प्रश्नों को करना होता है। चलिए, तो ये जो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा डीपली नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है? तो आप इसे रिक्वेस्ट रहेगा, याद कर लीजिएगा, कभी फुर्सत में जब लाइव क्लास कराएंगे तो वहां पर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर ए, घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में होती है परंतु विपरीत ओर होती है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए कि हमारे घड़ी में 6 बजा, तो आप मुझे बताइए कि 6 कैसे बजता है। तो ऊपर में होता है 12 और यहाँ पे होता है 6, ऐसे ही बजता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो घंटे की सुई कहाँ होती है? 6 बजे। मिनट की सुई कहाँ होती है? 12 बजे। यानी इस लाइन का मतलब यही हुआ कि घड़ी की दोनों सुइयां देखिए एक ही रेखा में है परंतु विपरीत ओर, तो एक का मुंह इधर रहता, एक का मुंह ऊपर रहता। इसी तरह से कोई भी टाइम होगा, अगर वो सीधी रेखा में, तो देखिएगा घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत ओर ही होगी। तो अब ये हम लोग का ये जो चीज है ना, ये एकदम की पॉइंट है कि एक दिन में ये कितना बार होता है। तो ये याद कर लीजिएगा, 22 बार, क्योंकि मुझे आज 3 टाइप डिस्कस करना, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लें, ठीक है? अब रह गया बात कि एक मार्केबल बात क्या है कि अगर मैं पूछता हूं कि अगर सीधी रेखा में होगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो नो डाउट 180 डिग्री का। आशा करते हैं बात समझ में आया होगा। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट हुआ। सेकंड कंसेप्ट, पॉइंट नंबर बी, घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी। संपाती को इंग्लिश में को इनसाइड बोलते हैं, यानी मतलब ये हुआ, कभी कभी आपने घड़ी देखा होगा, लेट मैंने बोला कि 6 हुआ, तो इनमें देखिएगा एक ऐसा वक्त आता है जब घड़ी और मिनट के सुई एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं संपाती होना, या एक के ऊपर एक आ जाना, या इंग्लिश में को इनसाइड होना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का मीनिंग ये है। तो अगर इसमें एग्जाम में सवाल आए कि एक दिन में कितनी बार होती है, तो नो डाउट 22 बार होती है। मतलब विपरीत वाला का भी उत्तर 22 हो गया और संपाती वाला का भी उत्तर 22 हो गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर सी पे। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनता है? तो इसका जवाब हो गया 44 बार। अब रह गया आप मुझसे पूछेंगे कि इसका मीनिंग क्या हो गया। तो घड़ी में 3 बजा लीजिए और देखिए कितना सुंदर सा 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो ये 12, ये 3, 3 ऐसे ही बजता है ना। तो इस तरह से मुझे पूछ रहा है कि 90 डिग्री पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में कितने बार हो जाएगा, तो 44 टाइम्स। तो ये था हमारे पास की पॉइंट, यानी सोचिए स्टैटिक जीके जैसे होता है ना, उसी तरह से ये स्टैटिक है, ये बदलेगा नहीं, और इसे आप डायरेक्टली याद कर ले। जब लाइव क्लास आ जाएगा तो वहां बिल्कुल मैं इसको बता देने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ऐसे तो शुरू कर लिया गया है, लेकिन टाइप नंबर एक से अब शुरू होगा। चलिए, तो ये है टाइप नंबर वन। मैंने हेडिंग देखिए क्या दिया है, घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी, यानी एक के ऊपर दूसरा कब आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आइए ध्यान से देखिए। हम लोगों को ना टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के लिए बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और फिर थोड़ा बहुत एडिट एडिट करेंगे हम लोग। एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है, मिनट इक्वल टू 2/11 विद इन ब्रैकेट आवर इंटू 30 ± θ। और याद रखिएगा इसी इसी वाले फॉर्मूले से हमारा थीटा भी निकलेगा, कोई पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा और कितने डिग्री का कोण बनेगा इसी से निकलता है। तो आपको बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, मिनट यानी मिनट, आवर यानी आवर, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये जो हमारा हो गया, सोचिए मेथड नंबर वन, ये यूनिवर्सल मेथड है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पे हम लोग यही लगाएंगे, और आने वाले टाइम में और भी मेथड सीखेंगे। सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया है 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच घड़ी की सुइयां
मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। घड़ी की सुइयां कब समपाती होगी, कब समपाती होगी, मतलब को ये हो गया कि कितने बजे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। मेथड नंबर एक के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऐसा हो गया मिनट का मिनट। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 2/11, 2/11 आवर का मतलब हमेशा लेना है 3 से 4 के बीच, तो स्मॉलर टाइम लेना है। ठीक है, कौन सा लाइट टाइम लेना है, स्मॉलर टाइम। तो कितना लिख देंगे हम लोग, 3 × 30। अब रह गया प्लस माइनस यार थीटा क्या होगा। तो आप अपने से पूछो कि जब घड़ी का सुई एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा तो कोई डिग्री बनेगा क्या, विदाउट ऑब्वियसली क्या होगा, नहीं बनेगा। आप ही खुद सोचो यार डिग्री कब बनता है, थोड़ा बहुत ट्रेपर रहे, थोड़ा बैंड रहे तब ना। अब एक के ऊपर एक चढ़ गया तो नो डाउट हर केस में कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां कितना लिख दिया जाए, 0 डिग्री। क्लियर होगा, आई होप बात समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/11 मल्टीप्लाई ऑफ 90, तो ये कितना हो गया, 180/11। ये जो उत्तर निकल रहा है किसमें निकल रहा है, मिनट में निकल रहा है। हमेशा क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में ले आना है। तो ये हो गया 1 टाइम्स में चला गया और ये 70 बचा, 11 × 6 = 66, 4/11। तो ये मिनट में आ गया। अब उत्तर कैसे लिखना है, हम लोगों ने टाइम क्या पकड़ा था, 3 16 4/11। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कितना आसान है, बस एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने किया। दोबारा रिपीट कर देते हैं, मैंने थीटा को 0 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि ओवरलैप कर रहा, एक के ऊपर एक चढ़ जा रहा, तो डिग्री तो बनेगा ही नहीं ना, तो इसलिए 0 डिग्री हो गया। तो यानी अब से डायरेक्टली याद कर लेंगे कि कभी भी ये क्वेश्चन आता है संपाति वाला, तो थीटा का वैल्यू नहीं भी बैठाने से चलेगा। आशा करते हैं बात समझ में आया होगा। अब रह गया कि मेथड नंबर 2 क्या होगा, तो देखते हैं कैसे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जो है ना, वो एक नंबर का ही डेराइवेशन है। थोड़ा समझिएगा क्या बोला जाएगा। मैंने क्या बोला, मिनट इक्वल टू होता है 2/11, आवर इंटू 30, प्लस माइनस ऑफ थीटा। अब मुझे बताइए इसके अकॉर्डिंग संपाति वाले केस में आप इसको कितनी बार भी बनाओ, कितने बार भी बनाओ, तो ये तो पक्का 0 ही आएगा। तो यानी इसको तो नहीं भी लिखने से चलेगा फॉर्मूला में। तो अपना शॉर्टकट खुद डेराइव करिए और अपने शॉर्टकट बनाइए। तो यहां से देखिए तो शॉर्टकट क्या निकल गया, 60/11 मल्टीप्लाई ऑफ एच। कितना मजेदार शॉर्टकट निकला, 30 × 260। यानी अब के बाद से मिनट निकालना तो यार डायरेक्ट कर लो। तो करते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन क्या लिया था, एक बार मैं बैक देखता हूँ क्या था, 3 से 4 के बीच था। तो फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो देखिए 60/11 मल्टीप्लाई ऑफ एच, एच यानी स्मॉलर टाइम। अब आप सोचेंगे सर स्मॉलर टाइम क्यों लेंगे, अगर आप 4 ले लीजिएगा तो इसके बीच में टाइम का आंसर नहीं आएगा, 4 बजे के बाद आ जाएगा। तो फिर से देखिए यही आ रहा, और अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, देखिए उतना ही आंसर है। उम्मीद करते हैं मेथड नंबर 2 जान करके भी बहुत मजा आया होगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जो इसका यूनिवर्सल मेथड है उसको याद रखिए, क्योंकि वो मेथड हर एक क्वेश्चन पे लगेगा। चलिए एक मेथड और बताते हैं। तीसरे मेथड में आपको एक टाइम याद रखना है, 1:05 5/11 सेकंड। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया हुआ, 1:05 5/11, और इसका उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, तो देखिए सपोज 3 से 4 वाला ही क्वेश्चन है, तो हमेशा क्या करना है, स्मॉलर टाइम से मल्टीप्लाई करना है। और एकदम आराम से करें, 3 × 1 = 3 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया, और 5 × 3 = 15/11। देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा, 3:15:2, इसको फ्रैक्शन में कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/4/11। अब कुछ नहीं करना है, ये वाला को जो है ना जोड़ देना है। तो फिर से अगर आप देखिएगा तो आंसर डायरेक्टली इसमें आ जा रहा है, फिर से आपको 3 लिखने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं कितना आसान है। तो इसके मैंने 3 मेथड बताए, आपको जो पसंद आया हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, बिल्कुल बनाइएगा। अब मैं अपनी बात ईमानदारी से बताता हूं कि अगर एज ए स्टूडेंट मुझे चूज करना है, तो ऐसे तो देखिए तीनों अपने आप में बेस्ट है,
तो मुझे लगता है मेथड नंबर वन पे ही मैं जाने वाला हूं, क्योंकि वो मेथड जो है ना वो हर किसी में अप्लाई होगा, और जल्दी करना है तो मेथड नंबर दो, और डायरेक्ट करना है तो ये। तो मैं अपने से सलाह ये देना चाहूंगा कि मेथड नंबर एक के अकॉर्डिंग जाइए आप लोग। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर टाइप दो में चले जाएंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सपोज मैंने एक क्वेश्चन और लिखा 5 से 6 के बीच, और आपको वही संपाति वाला सवाल है, 5 से 6 के बीच संपाति। तो किसी भी मेथड से बनाइए। हम लोगों ने अभी मेथड नंबर 2 में शॉर्टकट फॉर्मूला क्या लिखा था, 60/11 मल्टीप्लाई ऑफ एच, यही था ना। तो 60/11 मल्टीप्लाई ऑफ 5, तो कितना हो जाएगा, 300/11। तो 11 × 2 = 22 हो गया, 8 बच गया, 11 × 7 = 77, 3/11। और आंसर कैसे लिखते हैं, तो जो टाइम से आपने बनाया लिख दिया जाए। क्लियर है? अगर आप बोलेंगे सर थर्ड वाले मेथड से बना दीजिए, तो टाइम याद रखा था मैंने 1/5, 5/11 मल्टीप्लाई ऑफ 5, 5 से गुना हो गया 5, इससे गुना हो गया 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो गया 25/11। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 11 × 2 = 22, 3/11 इसको जोड़ दिया जाए, और देखते देखते एकदम आराम से स्मूथली आंसर आ जा रहा है, ये आपका आंसर सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए दोनों मेथड, तीनों मेथड से बन रहा है ऐसे बोले तो। तो आशा करते हैं आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा, और आज के बाद से ऐसे क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, और अब मुझे लगता है मेथड नंबर 2 की ओर चलना चाहिए। मेथड नंबर 2 नहीं, टाइप नंबर 2। चलिए तो देखिए टाइप नंबर 2 का हेडिंग मैंने क्या डाला है, घड़ी की दोनों सुइया सीधी रेखा में हो परंतु विपरीत हो, तो इसमें क्या होगा। तो देखिए मैं बताता हूं, मेथड तो हमारा यूनिवर्सल मेथड ही है, ठीक है। दो मेथड मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मेथड नंबर 1, मिनट का फॉर्मूला जो था उसको हम दोबारा लिख रहे हैं, आवर इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे। तो आपको ये केस थोड़ा याद रखना है। इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इसका रीजन आज नहीं पूछिएगा, लाइव वाले में रीजन बताएंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो आपको एक नोट कर लेना है, एच का वैल्यू, आवर का वैल्यू अगर 6 से कम है तो प्लस साइन का इस्तेमाल करें, और यदि आवर का वैल्यू 6 से ज्यादा है तो माइनस साइन का इस्तेमाल करें, ठीक है। यदि आवर का वैल्यू 6 से कम है तो प्लस साइन का इस्तेमाल करें, यदि आवर का वैल्यू 6 से ज्यादा है तो माइनस साइन का इस्तेमाल करें। कैसे क्वेश्चन पे आएगा, तो जैसे मैंने सपोज किया आपसे पूछा 4 से 5 के बीच, ठीक है ना, 4 से 5 के बीच लेट मैंने बोला कि घड़ी की सुइयां कब, चलिए पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, बीच कब सीधी रेखा में होगी, कब सीधी रेखा में होगी, उधर मैं जगह छोड़ के रखता हूं, मेथड नंबर 2 कुछ अच्छा दिखाना, सीधी रेखा में होगी, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पर हो गया मिनट इक्वल टू 2/11, आवर का मतलब देखिए तो कितना है, स्मॉलर टाइम हमेशा लेंगे, तो 4 × 30 प्लस या माइनस, तो देखिए तो आवर मतलब 4 है ना, तो 4 जो है 6 से छोटा है, तो साइन कौन सा लेना है, प्लस लेना है। अब थीटा, तो आपको मैंने क्या समझाया था कि स्ट्रेट लाइन ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो मैंने लिख दिया है ना। अब बस नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 120 और ये हमारे पास हो गया 180, तो 180 प्लस 120 300, 300 प्लस 2 सॉरी मल्टीप्लाई टू 600/11। इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5, 11 × 5 = 55 होता है, 5 बच गया, 11 × 4 = 44,
6/11। और अब आंसर लिखना है तो स्मॉलर टाइम के साथ इसको काउंटिंग में डालिए, 4:54, 6/11। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देख रहे हैं कितना आसान है, और सबसे अच्छी बात है कि मैंने इसी फॉर्मूले से बनाया और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। यानी थीटा जितना डिग्री बोल दे उतने डिग्री के आधार पर ही आंसर। बस थोड़ा सा आपको याद क्या रखना है, ये फैक्टर अपने को याद रखना है कि आवर का मान 6 से कम हो तो साइन प्लस, आवर का मान 6 से ज्यादा हो तो साइन माइनस लेना है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। मेथड नंबर 2 अपने दिमाग से हम लोग लाइव बनाएंगे। काफी सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, अरे वो टीचर कुछ नया मेथड बता दे रहा। आप भी एबल हो, आप भी सक्षम है कि आप खुद से अपना मेथड बनाइए। मैं जो मेथड नंबर 2 बताने वाला हूं ना, वो किसी किताब का नहीं है, ना किसी टीचर का कॉपी पेस्ट है। मेथड नंबर 2 ना सोचिए मेरा है, बस मैंने दिमाग लगा के थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है, और ये काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। देखिए क्या मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग पहले आप सोचिए, ये मिनट का था 2/11, आवर का एच इंटू 30। आप एक बात सोचो कि ये क्वेश्चन जितनी बार भी आएगा स्ट्रेट लाइन वाला, तो इसका मतलब तो यार 180 डिग्री ही तो बैठेगा। ये सब बस बोले ना मैंने, कॉमन सेंस लगाओ, अपना रूल खुद बनाओ, आप किसी को इंप्रेस भी कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर हो गया 180 डिग्री। अब मैथमेटिक्स हम लोग थोड़ा बहुत कॉमन लेना जानते हैं, तो यहां पे 30 और यहां पे 30 कॉमन आ जाएगा। तो बताइए अंदर में कितना बच गया, एच प्लस माइनस, 30 कॉमन लिए तो 6 बचा कि नहीं। तो देखिए कितना आ गया, 60/11 एच प्लस माइनस 6। तो हम लोगों ने देखिए लाइव अपना तरीका बना लिया, है ना भाई। ये सबको पूछता कौन है यार, ऐसा नहीं कि कोई जादू कर दिया है, खुद के खुद बना लीजिए, अपना मेथड बन जाएगा। ठीक है, बट अभी भी मैं इसी के साथ रहने वाला हूं, क्योंकि ये रट्टा मारने वाला है। एज ए टीचर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप यूनिवर्सल मेथड पे जाइए। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपके लिए ये सेकंड कंसेप्ट बना दिया, अगर आपको याद रहता है तो अच्छा बात है। यही सवाल को देखिए कितना जल्दी अब बनेगा, 4 से 5 है ना, तो 60/11 घंटा मतलब स्मॉलर टाइम 4 लेना है, 4 जो है 6 से कम है, साइन प्लस 6। इसको देखिए तो सॉल्व करके 600/11 आ रहा, बिल्कुल 600/11। बाकी काम तो यार वही है, आंसर आ गया ना। क्या बोलते हो, मजा आया, अच्छा लग रहा सेशन? अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो अपलोड करने के बाद आप तो देखेंगे ही, तो लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देख रहे हैं कितना, मुझे तो बता बता के बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया 60/11 एच प्लस माइनस 6। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, चलिए मैं कलर ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, चलिए 3 से 4 के बीच। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन है, चलिए वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अपना शॉर्टकट फॉर्मूला जो बनाया था वहां से भी हो सकता है 60/11। लेकिन इसमें टेंशन देखिए, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि इस पे क्या कर लेना है, अगर आपको याद रहेगा तभी करिए, नहीं तो मत करिए। शॉर्टकट फॉर्मूला ये था, और अदरवाइज हम लोग फॉर्मूला याद रखे हैं, 2/11 एच मल्टीप्लाई ऑफ 30 प्लस माइनस थीटा। मैं तो इसी पे जाऊंगा यार, ये मेरे को बड़ा पसंद है। ठीक है, बट दोनों से आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो 60/11 एच मतलब 3, और ये 3 जो है 6 से छोटा है, तो साइन कौन सा लग जाएगा, प्लस। क्लियर है, एकदम सिंपल। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 = 9, 9 × 6 = 540/11। इस पे भी देखते हैं आता है कि नहीं, 2/11 एच यानी 3 × 30 प्लस हो जाएगा, आपको पता ही है ये कितना हो जाएगा, 180। सो 2/11 ये कितना हो गया यार, 90, 180। 2/11 इसको ऐड करिएगा 270, ऑब्वियसली सेम। सॉल्व कर देते हैं, चूंकि बना रहे तो पूरा सॉल्व करना बनता है। 11 × 4 = 44, और कितना बच गया यार, 10 बच गया, 100 हो गया, 11 × 9 = 99। और टाइम कैसे लिखना है, 3 बजा था, 3:49, 1/11 बन गया आंसर, खत्म हो गया कहानी। तो उम्मीद करते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि और कहीं पे दोबारा बताना चाहिए,
और अंदर से मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है कि आपको दिक्कत होना चाहिए या हो रहा होगा। और क्योंकि मैं जब बताता हूँ ना तो देखता हूँ कि एज ए कमजोर बच्चा कुछ भी दिक्कत हो सकता है क्या, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें कुछ भी अब मिस्टेक करेंगे और बताने लायक रह गया है। और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने रोज बोला है अपने वीडियो में आपके सामने कैलकुलेशन लाइव ट्राई करते हैं। तो चलिए आज का आखिरी टाइप पे चलते हैं और देखते हैं कैसे होगा। तो लास्ट टाइप किया जाए क्या, मैं एक बार समय देख लेता हूँ, थोड़ा मुझे आज कुछ काम है। चलिए बच्चों मैं आज इतना ही छोड़ता हूँ, टाइप नंबर 2 तक ही रखते हैं। और ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्लॉक के और आप टाइप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।